नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बनाने वाले हैं मीठा सूजी का हलवा। आपके घर पे कोई शुभ अवसर हो, जैसे कि कोई त्योहार है, या फिर किसी का जन्मदिन है, या फिर मेहमान आने वाले हैं, या फिर कोई पूजा हो, तो आपका मन करता है कि कोई जल्दी से होने वाली आप स्वीट डिश बनाएं, तो ये जल्दी से और झटपट होने वाला एक स्वीट डिश है। इसके लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है और उसे मीडियम पे रखा हुआ है। अब आप इसमें 2 बड़े चम्मच असली गाय का घी डाल सकते हैं। देख सकते हैं कि घी पिघल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक ये कटोरी मैंने ली है, आपके घर पे आपको जो पसंद है वो कटोरी ले लीजिए और इसमें वही मेजरमेंट आप रखिए पूरे रेसिपी के लिए। अब ये कटोरी पूरी भर के हो गई है, इसमें आराम से 4 लोग खा सकते हैं ये सूजी का हलवा। ये घी पूरा पिघल गया है और अब हम इसमें सूजी डालेंगे। अब हम ये घी और जो सूजी है उससे अच्छे से मिलाएंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इसको मीडियम गैस पे 15 से 20 मिनट तक भून सकते हैं, या फिर सिम गैस या फिर लो गैस पे इसको 1 घंटे तक आप आराम से रख सकते हैं और बीच बीच में आके इसको हिला सकते हैं। मैं इसको मीडियम गैस पे 15 से 20 मिनट रखने वाली हूँ और इसको अच्छे से हिलाते रहिए। अब 10 मिनट हो गए हैं और मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने 5-6 इलायची ली है और मैं इसको इसके दाने और इसका जो बाहर का कवर है तो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हिलाते रहिए, नहीं तो फिर नीचे लग जाएगा तो जल जाएगा, तो उसका टेस्ट और पूरा कलर और फ्लेवर पूरा बिगड़ जाएगा, इसीलिए बिल्कुल नहीं रुकना नहीं है, बीच में हिलाते रहिए 15 से 20 मिनट। थोड़े काजू और किशमिश मैंने इसमें डालने के लिए लिए हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं, आप बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन हो गया है और 20 मिनट हो गए हैं मीडियम गैस। देखिए ये एकदम लाइट भुना भूरे रंग का हो गया है, अच्छे से भून गया है ये सूजी सफेद से। और अब हम क्या करेंगे कि गैस को थोड़ा कम करेंगे। अब 20 मिनट हो गए हैं, तो 10 मिनट पहले मैंने गरम पानी उबालने के लिए रखा था गैस पे, तो उसमें से मैं 2 कटोरी, क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, इसको थोड़ा बाजू में रख। अब इसमें 1 कटोरी पूरी ये मैंने पाउडर शुगर है शक्कर, इसको फिर से मैं गैस पे लाती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए क्योंकि इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो गर्म पानी और शक्कर मैंने अभी इसमें मिला ली है और अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ी कम गैस पे ढक के रखेंगे। 2-3 मिनट बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे कैसे है। अब 2 मिनट
मिनट हो चुके हैं और हम चेक करते हैं, देखिए कितने अच्छे से हो गया है, एकदम फूल के ऊपर आया है। जो आप कटोरे में सूजी लेंगे उसी में आपको डबल क्वांटिटी पानी का लेना है, बस इतना ही याद रखना। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए कितने अच्छे से हो गया है मीठा वाला सूजी का हलवा। आपको कैसे लगा ये वीडियो आप हमें बताइए, करके देखिए और हमें आपके कमेंट्स बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।